hello students today we are going to learn about elimination method so far what we have studied graphical method we have studied substitution method and this is the third method we are going to learn today elimination method so what is elimination method let us study this let us solve this by taking equations let us take one example टू एक्स प्लस थ्री वाईक्वल्स टू थर्टी दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन हम टेक सेन फाइव एक्स माइनस टू वाईक्वल टू फोर इज सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू एंड वी आर गोइंग टू सोल्व इट बाई एलिमिनेशन मैथड एंड वी आर गोइंग टू सोल्व बायिमिनेशन तो हमने ये दिस इज अ थर्ड मेथड हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड देखा उसके बाद सब मेथड से हमने सॉल्व किया और अब जो थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है बाकी सारे मेथड से मीन्स आउट ऑफ फोर मैथड एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन इजिली विदाउट एनी डिफिकल्टी तो एलिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड तो लेट्स लर्न अबाउट एलिमिनेशन मेथड चिल्ड्रन टू इक्वेशन हमको दे रखी है एलिमिनेशन का मतलब ही है कि रिमूव द वन वेरिएबल हमें कोई भी एक वेरिएबल या तो आप एक्स को रिमूव कर दीजिए या वाई को रिमूव कर दीजिए आप कैसे रिमूव करते हैं इनके जो कोओिशियंट है वो सेम बनाने पड़ते हैं अब देखिए इसका कोफिशन एक्स का कितना है टू है या एक्स का कोओिशियंट कितना है फाइव है या तो हम एक्स का कोफिशियंट सेम बना दे या हम y का कोफिशेंट जो थ्री और माइनस टू उन दोनों को सेम बना दें तो उससे हम फिर एडिशन या सब्ट्रेक्शन करेंगे और x या y में से कोई भी एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा और y आ जाएगा जैसे हमने सब्सटीट्यूशन में क्या था क्या किया था एक वेरिएबल हमने निकाला था उसकी वैल्यू और उसमें डाल दी दूसरे में डाली थी उसी तरह से हमें यहां पे इस बार सब्सटीट्यूट ना करके हमें दोनों के को सेम बनाने या तो x का बना लीजिए या फिर y का बनाने जो आपको रिमूव करना है दोनों से आंसर यूनिक आएगा एक ही आंसर आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आता आप कोई भी मेथड से कर लीजिए सो टू एक्स प्लस थ्री वाई थर्टीन और फाइव एक्स माइनस टू वाई फोर तो हम क्या करने वाले हैं एक्स को रिमूव करने वाले हैं सबसे पहले तो टू और फाइव का आपको जो कोओफिशियंट है उनका एलसीएम ले लीजिए वाट इज द एलसीएम ऑफ टू एंड फाइव एलसीएम कितना है टू और फाइव का टेन होता है तो हम क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई करने वाले टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम टेन आ जाए फाइव का तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फाइव का और फाइव में क्या मल्टीप्लाई करें कि टेन आ जाए टू का और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हर टर्म इक्वेशन की हर टर्म में करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव का मल्टीप्लाई करना है और टू का मल्टीप्लाई करना है फाइव टू और फोर तीनों में करना है हमें सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलिमिनेशन तो विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय फाइव एंड इक्वेशन टू बाय टू हम एक्स रिमूव करने वाले हैं एक्स को एलिमिनेट करेंगे हम तो मल्टीप्लाई करते हैं फाइव टू जा टेन एक्स फाइव थ्री फिफ्टीन वाई एंड फाइव थर्टीन जा सिक्सटी फाइव आपको सब में मल्टीप्लाई करना तीनों टर्म में करना है टू फाइव जेन एक्स टू माइनस टू जाइनस फोर वाई टू फोर जा एट अब नेक्स्ट है आपके देखिए ये एक्स का कोविशियंट सेम हो गया एक्स का यहां भी टेन है एक्स का यहां भी टेन है. हमने एक्स का कोविशन सेम बना दिया आप चाहते तो वाई का ही बना सकते थे अब वाई का बनाएंगे तो एक्स का नहीं रहेगा तो अगर आप वाई का क्वेश्चन सेम बनाएंगे तो वाई रिमूव हो जाएगा हमने एक्स का क्वेश्चन सेम बनाया तो एक्स हम रिमूव करने वाले हैं अब दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे प्लस या माइनस करेंगे अब हम क्या करेंगे सब करने वाले अब सब करने पर आप ध्यान सुनिए साइन चेंज हो जाते सारे ये अब ये प्लस का टेन है ये भी प्लस का टेन हम माइनस करते हैं ये माइनस करा हमने और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस साइन चेंज हो जाएगी जब हम पूरे पे माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब कर रहे हैं और इसमें भी माइनस करते हैं। माइनस करने पे क्या रिजल्ट आया देखिए टेन माइनस टेन टेन माइनस टेन कैंसिल आउट हो गया प्लस टेन माइनस टेन कट गए फिफ्टीन प्लस फोर कितना हो गया नाइनटीन वाई और सिक्सटी फाइव में से माइनस एट गए फिफ्टी सेवन आ गया तो इससे हमारे को y की वैल्यू निकल के आने वाली है हमको सब करना है अब बच्चों एक बात सुनिए अगर एक का साइन प्लस एक का साइन एक का प्लस हो और एक का माइनस हो अगर ऑलरेडी दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना ऐड कर देना है अब दोनों ही प्लस थे तब भी आपको सब करना है दोनों माइनस हो तब भी सब करना है और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा एड करना है देखिए आपस एक दोनों प्लस हो तो आपको क्या करना है सब करना है उस केस में आपको सब करना है और दोनों माइनस हो तब भी आपको सब करना है और थर्ड जो है एक प्लस हो और एक माइनस हो तो उस केस में आप एड कर लीजिएगा सिंपल एडिशन करना है तो अभी आप देखिए क्वेश्चन क्या थे हमारे टेन प्लस का टेन और प्लस का टेन दोनों प्लस थे दोनों प्लस थे तो हमने क्या किया सबट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो और साइन जब एक का चेंज करते हैं तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा आपको सभी तीनों डिजिट्स का साइन चेंज करना क्योंकि हम सब्टेक्शन कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को पूरा सब्ट कर रहे हैं तो सबकी साइन चेंज जाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आगे इससे निकल के फिफ्टी सेवन बाय नाइन नाइनटीन थ्री फिफ्टी सेवन तो y की वैल्यू आ गई थ्री देर फोर वाई इज थ्री अब y3 आ गया तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के x निकाली कोई सी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए y की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए तो रख देते पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y y इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं वन इक्वेशन क्या है हमारी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अब जहां जहां वाई है वहां हम क्या रख देते हैं थ्री वाई कितना है थ्री तो इससे क्या आएगा वट विल गेट रूज सी टू एक्स थ्री थ्री जार नाइन इक्वल टू थर्टीन टू एक्स इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन टू एक्स इक्वल टू फोर मीन्स x इक्व टू फोर बाय टू फोर बाय टू कितना आ गया टू तो फाइनल हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई तो देखिए कितना इजी मेथड है अला आपको सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें बहुत जल्दी आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं तो लास्ट फाइनल हम लिख देते हैं दे फोर एक्स इक्व टू टू एंड वाई इक्व इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनर इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू ये इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गया सो चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस मेथड एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड समझ में आया आप सबको तो सबसे पहले क्या करना है हमें एलिमिनेट करना है या तो आप कोई भी वेरिएबल एक्स या वाई हमको एलिमिनेट इजिली हम कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सॉल्विंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग